नमस्कार दोस्तों, मिस्टर मीना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ और वो बुलेट के रिगार्डिंग है। मतलब कोई ऐसा से नहीं है यार, इम्पोर्टेंट वीडियो पूरा देखना यार वीडियो को यार। और वीडियो अच्छा लगे यार दोस्तों लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना यार। क्योंकि यार दोस्तों आज जो इसमें बुलेट के अंदर जो है ना, जो हमारे पास जो सेफ्टी गार्ड दे रखे हैं ना, मतलब ये जो लेग गार्ड्स जो हमारे टांगों की रक्षा करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि दोस्तों अभी मुझे गाड़ी एक महीना भी न्यू लाए हुए और ये ऑटोमेटिक टूट गया यार, विदाउट एक्सीडेंट और विदाउट किसी चीज की टक्कर लगी और ये ऐसा हुआ। तो इस वीडियो के साथ देखिए और इस वीडियो को आने लीजिए। और आप भी जब बुलेट लेके आए तो इसको देख के लाए। और दोस्तों गाड़ी के मामले में तो यार ये अपना घोड़ा है ना, गजब का है यार। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा, मैंने पहले भी कहा था कि गाड़ी लेके आए तो घोड़ा ही लेके आनी, बाकी दूसरे फर्राटे मुझे भी पसंद नहीं है दोस्तों। सर ये टूट गया सर, ये अभी तो लिए क्या टूट गया? देखो ये टूट गया। अरे यार ये कैसे टूट गया यार, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ? अभी तो ली थी गाड़ी, गाड़ी तो अभी जनवरी में लिए, कैसे टूटा यार? अरे ये तो गाड़ी भी तो मजबूत आती है ये तो बुलेट तो। और इसका एक्सीडेंट भी तो नहीं हुआ कहीं, ये जम्पर पे कुछ लगा हुआ अभी नहीं है, फिर से कैसे टूट गए? क्या पता यार, ये तो क्या मतलब आ रहा बुलेट लेने? हाँ बुलेट का कोई मतलब नहीं रहा। चलो तो यार दोस्तों आपने देखा कि यार अभी बुलेट को लाए हुए दो तीन महीने नहीं हुए और इसका जो डम्पर टूटा हुआ था यार, मुझे भी मालूम नहीं था। तो अभी ये भैया बैठे थे गाड़ी पर, तो इन्होंने कहा यार डम्पर टूट गया। तो आप देख सकते हैं कि यार उसमें 1% भी मतलब ना तो एक्सीडेंट हुआ और नहीं कहीं गाड़ी अड़ी। और कंपनी वालों ने लेग गार्ड दिया 1700 रुपये एक्स्ट्रा लिए, सर स्टील वाला लगा हुआ था वो मैंने खोला और वो खुलवा करके ये लगाया तो उसमें 1700 रुपये लिया। और दोस्तों ये देखो आप, ये पूरा का पूरा टूटा हुआ है कि आप जी बिल्कुल। तो यार दोस्तों मेरा भी दिमाग, मेरा भी फोटो ले यहाँ से वो। तो दोस्तों यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है साला यार, इतनी मजबूत गाड़ी है और इसका जो अभी तो टूट गया यार। वास्तव में यार आपका भी फोटो खराब हो जाएगा यार, मेरा भी खराब हो गया साला। इतनी भारी गाड़ी और इतने बेकार इसके ये लेग गार्ड, तो मैं तो इसको मजबूत गाड़ी सोच रहा था लेकिन ये वास्तव में मजबूत गाड़ी नहीं है यार। ये तो बिल्कुल बिल्कुल इससे तो जो नॉर्मल गाड़ी होती है उससे भी जम्पर नहीं टूटते हैं। और देख सकते हैं आप कहीं से एक्सीडेंट भी हुआ नहीं, कहीं से लगा हुआ और ये बम्पर टूट गया। तो अभी दोस्तों हम इसको रिप्लेस के लिए बोला था कंपनी की ओर जा रहे हैं, और तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट इसका पार्ट बताते हैं किस तरह से इसको ठीक करते हैं। तो यार दोस्तों आज भी झालावाड़ जा रहा था लेकिन मेरा रास्ते में दिमाग खराब हो गया, पूछो क्यों? क्यों सर क्यों? आप यार देखो कि गाड़ी का एक्सीडेंट भी नहीं हुआ ना, गाड़ी कहीं अड़ी और ये क्या हो गया, ये पूरा यहाँ से जो ये गाड़ी का जो डंपर है यार ये किस तरीके से टूट गया। मेरे को तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बुलेट गाड़ी इतनी हल्की आती है क्या। तो दोस्तों मैं ये दावा तो नहीं कर रहा कि हल्की आती, लेकिन मेरे को लग रहा है शायद ये शोरूम वाले इन कस्टमर्स को ये टैग देते हैं साले, क्योंकि मेरे इसमें अच्छा खासा लेग गार्ड लगा हुआ था स्टील वाला, वो हटा दिया और मैंने लगवाया था कि यार इसका ब्लैक कलर है तो ये मेरी गाड़ी के साथ जमेगा, और उसको देखते हुए मैंने ये लगाया। तो वहां पर मुझे बोला गया कि आपको 1700 रुपये और एक्स्ट्रा जमा कराने पड़ेंगे जब ये लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने वो पैक किया और ये लगाया और ये देखा कि यार ना तो गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हुआ, नहीं गाड़ी कहीं अड़ी और चलती हुई जो है ऑटोमेटिक इसका लेग गार्ड टूट गया है। तो दोस्तों ये तो वो वाली बात हो गई कि यार एक मुर्दे जैसे, ये लेग गार्ड सुरक्षा के लिए, हमारी टांगे की सुरक्षा के लिए, तो मुर्दा ये खुद ही मुर्दा साला मरा हुआ है, ये क्या हमारी टांगों की सुरक्षा करेगा, ये तो उल्टा और टांगे तोड़ाने का काम है। तो दोस्तों दूसरी बात ये कि यार जो गाड़ी पहले आती थी ना बुलेट, जैसे आपने देखा वो डीजल वाली बुलेट थी या पेट्रोल वाली जो बुलेट थी, उसके मुकाबले तो दोस्तों ये जो है इतनी अच्छी गाड़ी तो नहीं आ रही, इतनी अच्छी नहीं कह सकते, उतनी मजबूती इसमें नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि यार अभी 2 महीने भी नहीं हुए और अभी से जब इसके सामान टूटने लग गए तो फिर ये इसकी मजबूती पर तो सवाल उठता ही है ना। ये तो आप लाइव देख सकते हो, और थोड़ा सा कैमरा इधर लाके इनको बता दो दर्शकों को, और ये बिल्कुल यहाँ से टूटा है और इधर से भी आप देख लो, इधर से ना तो इसमें कोई स्क्रेच हुआ है ना ही इसमें कहीं से कोई बैंड है, और ये इतनी मेरी जो दोनों उंगलियां जा रही है यहाँ से, इसका जो ऑटोमेटिक टूट गया है। और दोस्तों
अगर आपको भी ये लग रहा होगा कि यार इसने वीडियो एडिटिंग करा होगा, झूठ बोल रहा होगा, तो सर इसको मीटर भी दिखा दो मेरी गाड़ी का, कि अभी तो मैं ये 3000 किलोमीटर भी नहीं चली है, बिल्कुल आप मीटर दिखा दे इनको। और जो गाड़ी का जो साउंड है ना दोस्तों, वो तो बहुत अच्छा है। बाकी मैंने इसके जो स्पीड का जो वीडियो बनाया था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि आपकी ये गाड़ियां आ रही है अभी नई वाली, कितनी मजबूती नहीं है। हाँ मैंने ये बोला कि यार गाड़ी में तो जो मेन जो घोड़ा होता है ना, जैसे घोड़ा, और ये मेरी फेवरेट गाड़ी है दोस्तों। यार इसके लिए तो मेरी जान भी आ गई है साला। मेरे पास फोर व्हीलर भी आपको मालूम है, लेकिन यार सबसे ज़्यादा प्यार मुझे इस गाड़ी पे। लेकिन जब मेरा दिमाग इसलिए ख़राब हुआ कि यार नई की नई गाड़ी के पार्ट्स टूटने लग गए, तो यार थोड़ा सा दुख तो होता है ना दोस्तों यार। और वैसे तो बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन यार ज़रा सोचने वाली बात है। अब कंपनी वालों से जब मैंने बात करी कि कैसे टूट गया, गारंटी पीरियड में था, तो कंपनी वालों ने बोला कि सर आपने गाड़ी एक्सीडेंट कर दी होगी, या कहीं ना कहीं आपने कोई टक्कर लगा दी होगी इसलिए टूटा। जबकि मैं आपको लाइव बता रहा हूँ कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि इस बम्पर में स्क्रैच भी नहीं हुआ। और इसे भी तोड़ते भी तो कोई हथौड़े वथौड़े का कुछ तो निशान होता, लेकिन आपने आप इसको लाइव एक बार और दिखा सकते हैं, इसको भी इसमें कोई निशान नहीं है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा गीला हुआ है, इसमें नहीं तो कहीं से तोड़ा गया है, और नहीं कहीं स्क्रैच हुआ है, न तो गाड़ी गिरी है, और नहीं मतलब कोई इसमें डैमेज, लेकिन ये ऑटोमेटिक टूट गया। इधर से भी दिखाओ यदि गाड़ी गिरी हो तो। यार दोस्तों आपने देखा कि मैंने यार सच्ची बोला, यार मैं किसी की कंपनी बदनाम क्यों करूँगा यार मेरे इस वीडियो के चक्कर में यार। लेकिन आपने अभी मैंने बिल्कुल दिखाया, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और मैं खुद इस गाड़ी का ओनर हूँ। तो मतलब मेरे हिसाब से तो यार, तो दोस्तों यार आपने एक बात नोटिस करी होगी, तो ये क्यों लगाते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए लगाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो यार हमारी टांग टूट सकती है एक मिनट के अंदर, और हम अपंग भी हो सकते हैं। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, सुरक्षा। कोई भी गाड़ी होती है उसमें, जैसे आपने स्विफ्ट फोर व्हीलर कुछ भी देखेंगे, तो उसमें या तो एयरबैग हो गए, या उसमें जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो जरूर देती है कंपनी। लेकिन यार इन्होंने जो लेग गार्ड प्रोवाइड किए, वो खुद लेग गार्ड ही डैमेज है, तो वो भला हमारे टांगों की क्या सुरक्षा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है रॉयल एनफील्ड गाड़ी पर। वैसे 1900 एक मॉडल है, ये बहुत खतरनाक गाड़ी है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप एक देख के लाएँ। और मैं ये भी नहीं कह सकता, हो सकता है यार कंपनी वालों ने, मतलब ये शोरूम वाले होते हैं, पैसों के चक्कर में उन्होंने टेक दिया हो टूटा हुआ और मैंने नोटिस नहीं किया हो, ये भी हो सकता है। बल्कि यार गाड़ी तो काफ़ी मजबूत आती है, और आज की भी बहुत काफ़ी मजबूत है। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसको पहले चेक करें, और चेक करने के बाद में जो है लेके आए। और वैसे तो इसकी गारंटी दी थी दोस्तों, मैंने अभी वीडियो में बताया, लेकिन जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि नहीं आपने गाड़ी कहीं नहीं अड़ा दी होगी, एक्सीडेंट कर दिया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तो कुछ शोरूम वालों की चालाकी भी हो सकती है। और इसके जो दोस्तों मैंने कई वीडियो बनाए पहले इसकी स्पीड के, बाकी माइलेज वगैरह की मैं बनाऊँगा, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा गाड़ी का, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। लेकिन यार इसके मामले में तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा यार, वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त मांगते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और प्रणाम।